हेलो फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता अपने इस चैनल कुछ खास में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का पौधा है नस्टर्सियम और ये इसकी खूब फूल बहुत खूबसूरत होती है, आप देख ही सकते होंगे। और कलर वैरायटी भी है, ये है येलो, ये देखिए यहाँ पे है, ये ऑरेंज है और बहुत इसके पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं, ऑर्नामेंटल पत्तियाँ होती हैं दोस्तों इसकी। ये देखिए किस शेप में इसके गोल तरह के होते हैं और ये मेरे पास जो है वेरीगेटेड पत्ती हैं, तो ये और भी खूबसूरत लगते हैं। और एक होते हैं जो पूरी तरीके से ग्रीन होती है, तो मेरे तो सारे वेरीगेटेड ही मैंने लाए हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह का लाएँ, फ्लावर्स एक ही तरह के होंगे, सिर्फ पत्तियों में उसमें अंतर होती है। पूरी ग्रीन होती है और ये वेरीगेटेड है। ये मतलब जब तक फ्लावर्स इसमें नहीं आते हैं तो इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती है, इसीलिए मैंने इसको लाया है। तो चलिए आज इसके बारे में कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसकी मिट्टी आपको जो लेनी है, ये पौधा इतना अच्छा पौधा है कि इसमें बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप मिट्टी और बालू की मात्रा जो है वो आप थोड़ी सी ज़्यादा लीजिए, यानी जो मैंने कहा है कि इक्वल प्रोपोर्शन में आपने बालू की मात्रा और मिट्टी लेनी है, और उसमें 2 से 3 मुट्ठी, यानी उसकी जो हाफ़ है, आप जितने मिट्टी ले रहे हैं उसकी 50% आपको इसमें काउडंग देना है या फिर पत्तियों की खाद आप दे दें। क्योंकि इसमें अगर काउडंग या पत्तियों की खाद ज़्यादा देंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा, इसको नाइट्रोजन मिलेगी और पत्तियां ही पत्तियां होती जाएगी, फूल आने में बहुत देर लग जाएंगे। तो इसीलिए इसमें खाद थोड़ी कम देनी है आपको। और इसमें जैसे आप देखें कि फ्लावरिंग पे ये आ रही है, तो तुरंत इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे दूसरे पौधों में देते हैं वैसे इसमें भी दें, लेकिन इसमें दूसरे में जितना देते हैं इसमें कम मात्रा में दें, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देंगे हैं आप। और जब इसमें और एक चीज़ है दोस्तों, फूल जैसे आने शुरू हो जाए तो आप इसमें पोटाश दे सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ना, मैं इनऑर्गेनिक मैं नहीं देती हूँ, मैं हमेशा ऑर्गेनिक ही देती हूँ। तो आप अगर पोटाश देना चाहते हैं तो आपको साइड से देने हैं और बहुत कम मात्रा में देने हैं। जैसे ये मेरे देखिए हैंगिंग पॉट है, तो इसमें आपको चाय की चम्मच के 1/4 उतनी पोटाश आपको साइड से देनी है। और पोटाश अगर देना चाहेंगे तो पहले मिट्टी को पानी से भिगो ले, उसके बाद आप उसमें पोटाश दे और फिर उसमें पानी दे। 2 बार आपको पानी देना है, पहले मिट्टी भिगो ले, फिर पोटाश साइड से, बिल्कुल साइड से देनी है आपको, नहीं तो वो आपके पौधे जला देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं देना है आपको पोटाश, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पोटाश अवॉइड कर सकते हैं। पोटाश की जगह मैं बता देती हूँ, और अगर पोटाश आपको देना ही है एज एक्सपेरिमेंट तो आप बहुत कम मात्रा में डालें। अगर मैं जो आपको मात्रा बताई हूँ उससे भी कम आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपके पौधे को नुकसान होगा। पहले तो आपको पॉट में पानी देनी है, पानी देने के बाद फिर पोटाश देनी है, बिल्कुल साइड से, बीच में नहीं जाना है आपको, और फिर उसमें पानी देनी है। या फिर दोस्तों आप इनऑर्गेनिक को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसमें 2 चम्मच के लगभग जो बोन मिल आती है वो बोन मिल आप साइड से दे दें, तो फिर इसे कैल्शियम वगैरह मिलेंगे और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। अगर आप इसमें काउडंग देना चाहते हैं, चाहे पत्तियों की खाद देना चाहते हैं, तो उससे क्या होगी, इसकी पत्तियां ही बढ़ेगी, फूल इसमें कम आएंगे। तो जब फूल आपको चाहिए तो उसमें आपको या फिर पोटाश की मात्रा देनी पड़ेगी, DAP या पोटाश, या फिर आपको ऑर्गेनिक में अगर जाना है तो आपको बोन मील देनी पड़ेगी। मैं इसमें दोस्तों बोन मील दी हूँ। ये देखिए फ्लावरिंग भी अच्छे हो रहे हैं और ये इसमें नए नए आ रहे हैं। ये देखिए इसमें कलियाँ बहुत आई हुई है, यहाँ पे कलियाँ हैं, यहाँ हैं, इस जगह हैं, काफ़ी कलियाँ इसमें भी आए हैं दोस्तों। ये देखिए ये बिल्कुल आज नई खिली हैं, उसमें भी कलियाँ आ रही हैं। तो इसमें आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का भी यूज़ कर सकते हो, जो मैं बता दी हूँ। अच्छा, इसकी सॉइल जो है बिल्कुल वेल ड्रेन रखें, हम चेक कर लीजिए कि एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है कि नहीं। आपको इसकी जो मिट्टी है दोस्तों, ये मॉइस्ट रखनी है, गीली नहीं रखनी है, बिल्कुल गीली नहीं रखनी है, हल्की सी मॉइस्ट रखिएगा मिट्टी। और इसे गीली मिट्टी पसंद नहीं है, गीली मिट्टी अगर आप रखें तो इसे इसकी जो जड़ें सड़ जाएंगी।
तो आपको मॉइस्ट रखनी है, इसीलिए वेल ड्रेन भी रखनी है इसे। अच्छा, और एक चीज़ है दोस्तों, इसकी पत्तियाँ जो है नीचे से आप देखेंगे ब्राउन होती जाती है, सूखती जाती है, जैसे ये देखिए। इसे आपको करना क्या, आपको हटाते जाना है, इन पत्तियों को आपको कटिंग कर करके हटाते जाना है। तो इससे क्या होगा कि पत्तियाँ जो है जो सब आपकी ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, उसे लेकर तो आपको फ़ायदा है नहीं, तो उसे क्या करना है आपको इस तरीके से कट करते जाना है और उसे हटाते जाना है, जितनी भी पीली पत्तियाँ आती हैं। और जहाँ तक रही फूलों की बात, तो इसमें से अगर आप बीज लेना चाहते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक, ये देखिए, ये मैं थोड़ी लार्ज कर देती हूँ उसे, हाँ ये देखिए यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। लेकिन अगर अभी तो आप इसकी तो शुरुआत ही हुई है फ्लावरिंग की, तो अभी मैं इसे नहीं रखूँगी, हाँ, और इसे मैं भी हटा दूँगी। लेकिन यहाँ से जो है ना, यहाँ से इसके सीड बनने शुरू होते हैं। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं यही इसके सीड है, और ये लगभग मटर के दाने की तरह हो जाते हैं। तो मटर के दाने की तरह जब हो जाएंगे, उसके बाद आपको इसमें छोड़ देना, वो उस वक्त ग्रीन कलर के रहेंगे जब आप सीड लेना चाहते हैं उस वक्त। और उसके बाद क्या होगा कि वो जब तक ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक आपको उसको इसे निकालना ही नहीं है, आपको इसको छेड़ना ही नहीं है। ब्राउन होके जब वो मिट्टी में गिर जाए तब आप उसे उठाएं, और मोटी मोटी होती है इसलिए डर नहीं है कि वो कहीं बाहर गिरेंगे, इस आपके जो गमले हैं उसी में गिरेंगे, उसे ले ले और उसमें थोड़ी फंगीसाइड मिक्स करके नेक्स्ट ईयर के लिए आप रख सकते हैं, उससे भी आपके पौधे ग्रो हो जाएंगे। तो ये हुई, लेकिन अभी जैसे आपको नहीं चाहिए ये, तो आपको फूल ज़्यादा चाहिए, तो आपको करना क्या है, इसे कट कर देना है, इसे आपको हटा देना है। तो इससे क्या होगा कि ये देखिए मैंने इसे हटा दिया ये, और ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाले ये सीड बॉल बन रहे हैं, यही है इसके सीड। तो इस तरीके से इसकी आप प्रोपगेशन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, आप उस सीड को बचाकर। ये तो हो गई इसकी प्रोपगेशन की बात, खाद की बात भी मैंने कर दी, मिट्टी की बात भी कर दी। अच्छा हाँ, इसे रखिएगा कहाँ, इसे बहुत ज़्यादा धूप नहीं पसंद है, 3-4 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी है, तो आप पार्शियल शेड में से थोड़ी रखें 3-4 घंटे की धूप में। अच्छा, और एक चीज़ है, इसे और एक जगह आप रख सकते हैं, अगर आप किचन गार्डन करते हैं तो ये पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छे, इतने कलर इसके कलरफुल होते हैं ना कि बीज वगैरह बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो आप मान लीजिए जहाँ किचन गार्डनिंग कर रहे हैं वहाँ पे इसे लगा दीजिए, रख दीजिए इस पौधे को, तो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, जो पॉलिटेंट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होंगे, और आपकी जो किचन गार्डन उसकी भी पॉलिनेशन होते जाए होने शुरू हो जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, और 20 दिन के अंतराल पर दोस्तों इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगे, इसलिए आपको इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर देना है। और इसे दोस्तों आप भाइन के रूप में भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी। मैंने इसे ये देखिए हैंगिंग किया है, मैंने सारे इसके हैंगिंग बनाए हैं, ये हैंगिंग भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई लेवल पर अगर लगा दे, चूँकि छोटे होते हैं इसके फ्लावर, आई लेवल पर लगाए तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप इसे हैंगिंग भी कर सकते हैं, आप मान लीजिए कोई बड़ा सा पौधा लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए डहलिया लगा रहे हैं, तो उसके नीचे वो तो ऊपर की तरफ खिलेगी, तो उस गमले के नीचे की तरफ भी आप लगा सकते हैं, तो इससे आपकी जगह भी बच जाएगी और दोनों तरह के ही फ्लावर आपके मिलेंगे। तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसे वाइन भी लगा सकते हैं, हैंगिंग भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे गमले में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में तो मैंने सब कुछ बता दिए, और मुझे नहीं लगता है, हाँ खाद भी बता दिए मैंने, मिट्टी भी बता दी, पानी भी कैसे देनी है आपको, सारी चीज़ें मैंने इसके बता दी है, और प्रोपगेशन भी कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। तो बस आज वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय।